सो हेलो वाज़ुम गाइस, मी जेरी बैक अगेन विद अ न्यू आर्ट वीडियो। एंड गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी, जो मतलब ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आने वाला हूँ। सो वो इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है मैंने वो रिवील नहीं किया था, मैंने बोला था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यार, एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं पोर्ट्रेट्स बनाऊंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के, कुछ 10 से 15 जो हमारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो। सो मैं उनकी कुछ पिक्चर्स उठा के उनके पोर्ट्रेट जो है मैं इस सीरीज़ में बनाऊंगा। सो अलग अलग यूट्यूबर्स के अलग अलग पोर्ट्रेट बनाऊंगा, जो कि मैं अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स में बनाऊंगा, लाइक कुछ पेंसिल शेडिंग में, लाइक कुछ चारकोल में, कुछ वाटर कलर में, कुछ सॉफ्ट पेस्टल में। तो जैसा भी हो पाएगा हमसे, मैं उस हिसाब से इस सीरीज़ में हम पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हैं। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज़ को। सो सबसे पहले मैं जो पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ वो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस यूट्यूबर है। सो उसका नाम है अमित बड़ाना, नाम तो सुना ही होगा वैसे आप लोगों ने। सो ये है, एंड इसको जो है मैं बनाने वाला हूँ पेंसिल शेडिंग में। तो यस गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेंसिल शेडिंग से। तो इसको मैं पेंसिल शेडिंग में बनाऊंगा और ये मैं A4 साइज पे बनाने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं इसे ड्रॉ करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ फेबल कैसल की शेडिंग पेंसिल्स, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, टॉम्बो मोनो 0 इरेजर, अ नॉर्मल इरेजर एंड अ नीडेड इरेजर। सो मैं सबसे पहले शेडिंग स्टार्ट करूंगा इसकी कैप से, एंड कैप में शेडिंग के लिए सबसे पहले लाइट टोन कर लूंगा, जो कि मैं 2B पेंसिल की मदद से करूंगा। और जहाँ जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर डार्क पोर्शन ऑप्ट कर लूँगा, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट कर लूँगा 2B की मदद से, कुछ इस तरह। देन अब इसे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगा। फोटो के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर डार्क टोन है वहाँ पर मैं 4B की मदद से डार्क टोन ऑप्ट करूँगा, एंड लाइट निकाल लूँगा नीडेड इरेजर की मदद से, एंड फिर से उसको डार्क टोन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर डार्क टोन करके उसे ब्लेंड कर दूँगा। एंड उसके बाद डार्क टोन है हमारी इस कैप के नीचे, तो डार्क टोन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B, और उसको अब मैं ब्लेंड कर लूँगा अच्छे से। सो उसके बाद और डार्क टोन के लिए 8B का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 8B को अच्छे से करके और इसके हेयर्स निकालने के बाद मैं उसे फिर से ब्लेंड कर लूँगा। सो कुछ इस तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगा और उसके बाद एक बार 8B को और डार्क कर लूँगा थोड़ा। सो अब हेयर्स के लिए मैं 2B और 4B का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे 2B और जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे 4B, और उसको हल्का सा ब्लेंड भी कर लूँगा साथ के साथ। और अब आई में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आई में सबसे पहले मैं 2B का यूज़ करके मैं सारी डार्क टोन निकाल लूँगा, एंड उसके बाद शेड कर लूँगा एक लाइट, और उसकी आईब्रो के लिए मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ। सो इस तरह से पूरे में शेड कर लूँगा। उसके बाद मैं सेकेंड आई में भी यही सेम प्रोसेस। तो इस तरह से हो जाने के बाद इसमें ब्लेंड कर लूँगा अच्छे से, एंड सेम प्रोसेस दूसरे वाली आई में कर लेंगे। सो इस तरह से ब्लेंड करते रहना है, और साथ के साथ लाइट टोन डार्क टोन जैसे भी आपको अपने पिक्चर में दिख रही है उस हिसाब से आप कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से हो गया है। उसके बाद नोज़ और वो जो चीक्स का एरिया है उसको कर लेंगे हम, जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे डार्क टोन ऑफ कर लेंगे, जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे लाइट टोन ऑफ कर लेंगे, और जहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट चाहिए तो उसमें इरेजर की मदद से निकाल लेंगे। एंड अब बाकी जो फोरहेड पे जितनी भी लाइट टोन डार्क टोन है उस हिसाब से हम शेडिंग कर लेंगे, देन उसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। सो इसमें भी मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ। सो ऐसी जितने भी फेस में लाइट टोन डार्क टोन है उसे हम 2B की और 4B की मदद से निकाल लेंगे, लाइट टोन के लिए 2B एंड डार्क टोन के लिए 4B। और जैसे हेयर्स वगैरह में है, जैसे इसमें बियर्ड वगैरह है, तो इसमें मैं 4B और 6B भी यूज़ कर रहा हूँ, और साथ के साथ ब्लेंड करते चलेंगे। सो इस तरह से मेरे को अब यहाँ पे और ज़्यादा डार्क टोन चाहिए थी, तो मैंने आई के ऊपर 8B का यूज़ करा है। सो इसी तरह से अब बाकी जो भी फेस है वहाँ पर जितने भी डार्क पोर्शन है, तो डार्क पोर्शन के लिए मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ, और लाइट पोर्शन के लिए 2B यूज़ कर रहा हूँ। सो इसी तरह से बियर्ड में, एंड बियर्ड में मैं 4B और उसके बाद 8B से डार्क टोन निकाल ली। सो सारे हेयर्स निकाल लिए मैंने। उसके बाद ईयर और इसमें जो डार्क पोर्शन है जो हमारा नेक में, तो उसके लिए मैंने 4B और 6B का यूज़ करा है। सो ईयर
जो क्लोथ्स है उसमें मैं ज़्यादा मतलब डार्क पोर्शन है तो उसके लिए मैं 8B का यूज़ कर रहा हूँ और लाइट के लिए मैं 6B का यूज़ कर रहा हूँ। और तो जहाँ जहाँ पे डार्क टोन दिखेगी मेरे को मैं वहाँ वहाँ पर डार्क टोन डाल लूँगा 8B से। सो सेम हैंड्स में भी मैं जो लाइट टोन है वो मैं 2B से यूज कर रहा हूँ और जो डार्क टोन है उसको मैं 6B से कर रहा हूँ। एंड जो हमारी ये जो वॉच है इसकी सो उसमें मैं डार्क टोन कर रहा हूँ 8B से और लाइट टोन मैंने 4B से किया है। एंड उसके बाद जो ये डार्क पोर्शन है उसको मैं 8B से कर रहा हूँ अच्छे से ब्लेंड करने के बाद। उसके बाद ऊपर से दोबारा से मेरे को पेंसिल चलानी पड़ेगी। एंड ब्लेंडर में मैंने जो ब्लेंडर में जो लगा हुआ जो हमारा ग्रेफाइट होता है मैं उसी की मदद से मैंने उसे ट्रॉफी में कर लिया है। सो अब जितने भी डार्क पोर्शन है उसमें मैं डार्क पोर्शन निकाल लूँगा। और ये कैप में जो ऊपर जो डिज़ाइन है वो जो हमने छोड़ दिया था उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये ट्रॉफी है, ट्रॉफी में डार्क टोन के लिए मैं 6B का यूज़ कर रहा हूँ और नीचे 8B का। सो कुछ कंप्लीट हो गया है लगभग लगभग। एंड अब इसमें जो ट्रॉफी में जो इनका एक लोगो बना हुआ है सो उस लोगो को मैं निकाल लूँ मोनो जीरो इरेजर से। सो सब कुछ अप्रॉक्स मैं कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉपी करके इसे कर रहा हूँ, सिर्फ अप्रॉक्स में से निकाल लूँ सबको। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इसमें। सो फाइनल कुछ इस तरह का है, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं किया है, मैंने सिर्फ नॉर्मल जो भी शेडिंग्स होती है मैं उसको यूज़ करके मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। सो ये अब आपके सामने है। सो हेयर इज द फाइनल वर्क जो कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। सो कमेंट करके आप जरूर बताना कि ये कैसा बना है और आपको कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट जो हमारा जो पोर्ट्रेट होने वाला है वो किस यूट्यूबर का होने वाला है वो आप कमेंट करना, गेस करना कि नेक्स्ट जो हमारा वर्क होगा वो किस यूट्यूबर का होगा। सो मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।